हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दगड़ियो, आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करता हूँ। इस समय शाम के बजे हैं 4 और जैसा कि आप देख सकते हो नीचे धूप बिल्कुल काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। देखिए अभी मैं छांव में खड़ा था और धूप में आया हूँ, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो आजकल का मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि एकदम से धूप निकल जाती है तो बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप लगती है, और उसके बाद एकदम से बारिश हो जाती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है तो फिर ठंड चालू हो जाती है। तो दगड़ो, एक्चुअली में इस मौसम में जो है बहुत प्रकार की बीमारियाँ पहाड़ों में आजकल पाई जाती है, क्योंकि ठंड गर्म जैसे कि होता है तो बहुत सारे लोगों को ये सूट नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप वो बीमार हो जाते हैं। और ये बरसात के मौसम में अक्सर ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। और ये तो रहा मौसम की वजह से बीमारियों का कारण, और दूसरा आजकल कीट पतंग जैसे भी बहुत सारे ये जो मतलब ये जो जीव है वो उत्पन्न होते हैं बारिश के कारण, बहुत सारे जीव ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं। और अब तो पहाड़ों में जो है मच्छर भी बहुत सारे होते लग जाएंगे, और मच्छर का कारण अगर हमने कहीं भी लोगों को पूछा तो उन्होंने अजीब अजीब से इसके कारण बताए। जैसा कि सबसे बड़ा कारण लोग बताते हैं कि जब से पहले क्या होता था, हमारे पहाड़ों में जो है टॉयलेट नहीं थे, तो गांव में बिल्कुल भी किसी के बात टॉयलेट नहीं थे, सब लोग बाहर टॉयलेट करने के लिए जाते थे, खुले में टॉयलेट करते थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहता और सही नहीं होता था, क्योंकि उससे जो आउट ऑफ एरिया है गाँव का वो बहुत ख़राब हो जाता था और एक तरह से बहुत गंदा हो जाता था, उधर जाने का मन भी नहीं करता था, वहाँ बहुत गंदगी हो जाती थी। लेकिन लोग बोलते हैं कि उस टाइम जो है गांव में मच्छर नहीं थे, और जब से लोगों के टॉयलेट घर में बने हैं तो उसका ये कारण बताते हैं गांव में मच्छर होने का। तो ये एक कारण बताते हैं जो कि मेरे को तो अजीब सा लगता है, लेकिन आप लोग सजेस्ट करें क्या ये कारण है गाँव में मच्छर बढ़ने का। तो हो सकता है अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं तो क्या पता उनकी बात में भी कोई सच्चाई होगी। वैसे ये सर्वे तो हुआ नहीं है, ये लोग अपने आप ही बोलते हैं, बिना सर्वे के कारण बोलते हैं, खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बट दगड़ियों कुछ इस प्रकार से लोगों के विचार हैं गांव में। और मच्छर जैसे रात को हमारे गांव में पहले क्या होता था, अक्सर लोग जो है बाहर खाना बनाते थे गर्मियों के टाइम में, अंदर घर के अंदर बहुत कम खाना बनता था, जब बारिश पड़ती थी बाहर तो ही खाना अंदर बनता था और ज़्यादातर खाना लोग बाहर बनाते थे। लेकिन अब बाहर खाना बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर खाना बनाते हैं लाइट ऑन करते हैं और उसमें जो है बहुत सारे कीट पतंग आ जाते हैं जो खाने में जाते हैं और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जब वो खाने के साथ हमारे पेट में अंदर जाते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ा दिक्कत होती है। और पहले क्या होता था कि बहुत पहले की बात है, उससे तो काफ़ी टाइम हो गया, हमारे गाँव में जब बिजली भी नहीं थी तो लैंप चिमनी ये सब मिट्टी का तेल यूज़ किया जाता था और ये सब से जो है खाना बनाया जाता था। तो उस टाइम क्या होता था कि कीट पतंग जो थे वो बहुत कम मात्रा में थे, मतलब ना के बराबर थे, आते ही नहीं थे, वो लैंप चिमनी में आते नहीं थे। हम लगभग हाई स्कूल 8 साल हुए लैंप की रोशनी में पढ़ाई करके दी है, उस टाइम हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी। तो लेकिन आज का डेट में बिजली तो हमारे गांव में कम से कम आ चुकी है, और वही मैंने बोला कि लैट्रिन बाथरूम, ये उन्नति हमारे सामने गांव में हो रही है कि आजकल गांव में हर किसी के लैट्रिन बाथरूम अपने पर्सनल है ही है, बाहर कोई नहीं जाता है टॉयलेट करने के लिए, बाहर का जो एरिया है अब काफ़ी साफ दिखाई देता है। तो ये रहा हमारे गांव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और मौसम के बारे में मैंने आपको अवगत करा ही दिया है। मौसम जो है घड़ी पर घड़ी बदलता ही जा रहा है, और बने रहे ब्लॉक में, आगे जो भी हमारा आज शाम का रूट रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो बने रहे दोस्तों आज के ब्लॉक में। तो दगड़ियों, आप देख सकते हो इस समय ये है हमारे गांव की आजकल की गौशालों की हालत, ये देखिए। और ये एक गौशाला नहीं है, ऐसे लगभग गांव में कई गौशाले हैं, कई घर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ी देर ब्रोनी हाय करो, हाय हेलो ब्रोनी,
तो दोस्तों मैं जैसे कि आपको दिखाया मैंने गौशाला टूटा फूटा, और ये गौशालों की नहीं हमारे गांव के कई घर भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी कंडीशन ऐसी हो रखी है। उसका सबसे बड़ा कारण है पलायन, और जो पशु है उनका बहुत कम मात्रा में अब लोग लालन पालन करते हैं। तो गौशाले टूटने का और घरों के टूटने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पलायन, और जो हमारे यहाँ जो पशु होते थे पहले उनका जो है अब पशुपालन बहुत कम करते हैं लोग, तो जिसके कारण कि इन चीज़ों का देखभाल नहीं होता है। और अब जब किसी चीज़ की देखभाल नहीं होती तो ऑटोमेटिक बात है वो चीज़ डैमेज होगी और टूटेगी। तो कुछ इस प्रकार से हालत है आजकल के गौशालों की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पूरी तरह से टूट चुका है वो। तो दगड़ियों जो है ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का लेमन, वो लेमन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी दगड़ियों, लेमन नहीं उसको बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा जो कि यहाँ नेचुरल होता है और काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो जैसा कि ये पीछे भाई साहब हैं वो बोल रहे हैं कि ये एलोवेरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और ये जो एरिया है हमारे गांव का ये लगभग एक तरह से ये चरा क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ गाय बच्चिया चढ़ती दिखाई दे देंगी आपको, ये देखिए नीचे, और ये पूरा एरिया जो है गाय बच्चों के लिए आरक्षित है, कोई भी गाय बच्ची आके यहाँ अपना भोजन कर सकती है और करते हैं। और बरसात के टाइम में तो यहाँ इस एरिया में बहुत सारी घास उगती है। तो कुछ इस प्रकार का आज हम जा रहे हैं एक अलग ही लोकेशन पे, और कुछ जो वहाँ के बारे में इतिहास है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि और शाम के टाइम का हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से ये देख सकते हो। और वहीं अगर मैं ले चलूँ पहाड़ों के नज़ारे की तरफ तो ये देख सकते हो, ये पहाड़ों की सीन है। इस समय मौसम जो है पल पल भर में अपने रंग बदल रहा है, और कभी धूप कभी छाँव, और हम जा रहे हैं। और दगड़ो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो है इन पहाड़ों में भी ऑटोमेटिक एक तरह से मिनरल वाटर मिलता है, बिल्कुल शुद्ध पानी पीने के लिए, जो कि 12 महीने नहीं रहता है, स्पेशल बरसात में ही आता है। और काफ़ी टाइम से तो हमने वो यूज़ नहीं किया, लेकिन आज हम उस साइड आए हैं तो अगर वो दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पानी यहाँ पे बहुत फेमस था, वो हमारे गांव का रहता ही रहता था, पूरे जितने भी गुएर थे वो वहाँ पे पानी पिया करते थे, अपनी जो भी वाटर संबंधी नीड होती है यहीं से पूरी की जाती थी। देखते हैं आज वो है या वो भी समय के साथ साथ विलुप्त हो गया है। तो दगड़ियो उसके नज़दीक पहुंच गया हूँ मैं, और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, और यहाँ पे जो है वो पानी रहता है ये देख सकते हो आप, और हल्का फुल्का है अभी, तो अब हम इसको थोड़ा पियेंगे। तो दगड़ियो इस समय हम पहुंच चुके हैं चांदा दहिया नाम की जगह में, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमारे वनों का। और यहाँ आने का मेन कारण हमारा ये है कि जो भी हमारे गांव घरों में आजकल सब्जी लगी है उसके लिए कुछ पेड़ लगाने पड़ते हैं, ताकि वो उस पेड़ में चढ़कर अच्छी तरीके से उसकी पैदावार हो सके। वही सब ढूंढने के लिए उसके लिए हम कटीले जो हमारे वनों में पेड़ होते हैं उनको लेके जाते हैं, और
ये देखिए कुछ इस प्रकार का सीन। अब यहाँ पूरी तरीके से बंद हो चुका है, यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो चुकी है, नहीं तो यहाँ पहले बहुत तो यहाँ खेती तक करते थे लोग, लेकिन आज का दिन में यहाँ झाड़ियों के सिवा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वन ही वन यहाँ बिल्कुल झाड़ियाँ, जाने के लिए भी यहाँ, चलने के लिए भी यहाँ जगह नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमारे चांद का। और यहाँ आजकल बाघ भी है, जो कि इस टाइम तो हमको दिखेगा नहीं, बट यहीं आजकल उसका निवास भी है। इस प्रकार से ये जो पूरी सरहद है हमारे गांव की, यहाँ तक हम गाय बच्चों को लेके आते थे चराने के लिए, जो कि आप अब भी आते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम है आज के टाइम में यहाँ गाय बच्चों का आना जाना, क्योंकि एक तो पशु पहले से ही कम हो गए और जो है तो लोग एक एक गाय रखी है लोगों ने और उसको घर में ही देते हैं चारा घास काट के। और जैसा कि यहाँ मुर्गी मुर्गा जंगली मुर्गी मुर्गे हैं मेरे को दिख रहे हैं, और ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये है किनगोड़ों का पेड़, लेकिन इस टाइम इस पर किनगोड़ा हो नहीं रखे। अब जो जंगल के कंदमूल फल थे वो भी लगभग लगभग विलुप्त हो रहे हैं, पता नहीं क्यों विलुप्त हो रहे हैं, उसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले टाइम में जब हम यहाँ आते थे गाय चराने तो यहाँ बहुत होते थे, लेकिन आज के टाइम में वो सब विलुप्त हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो जिसकी ढूंढ में हम आए हैं वो हमको मिला नहीं अभी तक, काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी कहीं दिख नहीं रहा है। और ये हमारे गांव के चांद नामक जगह से लिया गया व्यू, ऊपर वो दूसरे गांव के गाय बच्चे आ रखे वहाँ ग्राम मेरा के, ये देख सकते हो आप यहाँ जो है आ रखे चरने के लिए। तो हमारे गांव के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दगड़ियों कुछ इस प्रकार से हमारा एरिया, चरा एरिया हम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ तो मेरे को ठंगरा मिला नहीं, ठंगरा बोलते हैं उसको जिसको लेने के लिए हम आ रखे हैं। चलो देखते हैं उसी साइड में कहीं मिलता है तो लेके चलेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, खाली जाना पड़ेगा। कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि मिलेगा ही, लेकिन कोशिश रहेगी कि मिल जाए। और दगड़ियों ये फल देखो, इस फल का नाम है काफल, तो आ जाओ काफल खाने के लिए। काफ़ी काफल आ रखे हैं इस पेड़ पे, लेकिन इस पे कच्चे हो रखे हैं ये। देखते हैं इनको खा के। देख रहे हो ये काफल है, काफी खट्टे हैं और इसमें नमक मिला के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं। देखिए ये है काफल का पेड़, और काफी काफल लगे हैं ये देखिए, लेकिन पके नहीं है ये, काफी खट्टे हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, खाने में काफी अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ इसी तरह के कई प्रकार के कंदमूल फल
हमारे जंगलों में होते हैं। हर मौसम में कुछ ना कुछ फल आपको खाने को मिलेंगे यहाँ। तो दगड़ियों, काफूल का मज़ा उठाने के बाद जैसे मैं गांव के जंगल के आउटसाइड में गया, तो आप ये देख रहे हो, यह है सागुन के जो फल लगते हैं, हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं इसको छूजी। और इसके अंदर का जो है, अभी तो ये ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर जो एक फल रहता है बहुत स्वादिष्ट होता है, अखरोट जैसा होता है, और ये आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो उसका फल है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है खाने में, इसको खाते थे हम बहुत बहुत, खाए होंगे आप लोगों ने भी जो यहाँ से रिलेटिव है। और ऐसे ही कई प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आती है और हमारी लाइफ को इजी बनाती है। तो पिछले ज़माने में लोग इसको, इनको जलाने का काम भी करते थे, आग जलाने के लिए लेके जाते थे और खाने के लिए भी लेके जाते थे, बोरी भर भर के हम इनको लेके जाते थे। तो और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो आप, ये है अरबी, ये हमारे यहाँ की बरसाती अरबी है, इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है, ये देख सकते हो, ये यहाँ हो रखी है, छोटी छोटी हो रखी है, ये अभी बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पे जम रखी है ये अरबी। अगर मेरे को काफ़ी मिलती है तो मैं इसकी सब्ज़ी बना के दिखाऊंगा आपको घर में, क्योंकि इतना तो काफ़ी नहीं है, खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और ऐसे एरिया में ये होती है, तो अगर ये मेरे को मिलती है मैं इसको जमा करता हूँ, और काफ़ी मात्रा में मिलती है तो मैं इसकी सब्ज़ी बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों और मिल रही है, एक्चुअली मैं इसको अरबी नहीं बोलते हैं दोस्तों, ये है जंगली मशरूम, हम इसको बोल सकते हैं जंगली मशरूम, मेरे को कन्फ्यूज हो रहा था तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसको बोलते हैं जंगली मशरूम। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है इसकी, लेकिन जो मेरे को मिला है वो बहुत कम मात्रा में मिला है, अगर और बहुत छोटा छोटा हो रखा है, अभी बहुत बड़ा बड़ा होता है, शायद ये अभी निकला है, तो ऐसे ही ज़मीन पे ऐसी धरती पे होता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़, ये है खुशबू का पेड़, इससे जो है हम निकालते हैं, इससे ऐसे निकालते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इससे जो है ये है जैसे ये खुशबू का पेड़ है। कभी कभी आप लोगों ने, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, खुशबू हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग आदमी थे, कुमाया बाड़ा के नाम से फेमस, वो इसका बहुत यूज़ करते थे। एक्चुअली में ये खुशबू है जो ये जो लोग तंबाकू उम्बाकू पीते हैं तो उनको तंबाकू सुलपाने का बहुत काम करता है, मतलब तंबाकू जलाने का। तो इससे जो बाहर की सफ़ेद परत आपको दिख रही है, ये हम निकाल देते हैं, ये पत्ती फेंक देते हैं, और जो परत निकालते हैं, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कैसे निकलती है वो परत। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये निकलती है, देखिए इस पत्ते से मैंने निकाला है ये, और ये आती है तंबाकू सुलपाने का काम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव के जो कुमाया बाड़ा थे वो हमको बोलते थे ये निकालो, और इसके बल्ले को हमको आड़ू देते थे, उनके आड़ू थे बहुत सारे, तो हमको आड़ू देते थे वो इसके बल्ले का। तो कुछ इस तरह की बहुत सारी वनस्पतियाँ हमारे जंगलों में पाई जाती है जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में, रोज़मर्रा के जीवन में काम आती है। तो दगड़ियों ये चीज़ें आप विलुप्त हो रही है, इन चीज़ों के बारे में लोग भूल रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी शायद इन चीज़ों के बारे में जान भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर कभी वो हमारी ये वीडियो वो देखेंगे तो ज़रूर थोड़ा तो माइंड करेंगे कि हाँ कुछ ऐसा भी होता था, और ये हमारे पहाड़ों की हकीकत है। कुछ इस प्रकार के हमारे जंगलों में बहुत प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिससे कि जो जो कि हमारे रिलेटिव वनस्पति है, जिससे कि हमारे काम ही आसान होते हैं, और कई प्रकार के काम हम उनसे करते हैं। और दोस्तों साथ ही लगता है कि जिस काम के लिए मैं
यहाँ आया था वो पूरा होता हुआ नज़र मेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि उस तरह का पेड़ मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया जो मैं लेके जा सकूं, क्योंकि बाकी पेड़ तो हम जंगलों से काटते नहीं हैं, हम इनकी पूरी तरीके से रक्षा करते हैं स्वयं ही। लेकिन जो कांटेदार वृक्ष होते हैं और जिनसे प्रॉब्लम होती है गाय बच्चों को भी, वो हमको निकालने ही पड़ते हैं, तो वो डबल काम हो जाता है। एक तो रास्ता भी सही हो जाता है और गाय बच्चों के लिए चारा भी हो जाता है उसकी जगह पे, और नया पेड़ उग जाता है अच्छा वाला जो हमारे बहुत काम आता है, और हमको भी उससे फ़ायदा मिल जाता है। जो हमारे गाँव घरों में सब्जियाँ होती है उनको फैलाने का काम जो कांटेदार वृक्ष करते हैं। तो लगता है कि आज मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो हो सकता है मैं आज खाली ही घर से आ जाऊँ, क्योंकि नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। कोशिश तो पूरी कर दी मैंने, बहुत घूम गया, लेकिन ये कुछ इस प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, ये कुछ काम के नहीं है हमारे। तो लगता है कि आज मेरे को खाली ही जाना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं दूसरी जगह सर्च करेंगे, नहीं मिला तो वैसे अब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि लगभग जहाँ तक मिलने की उम्मीद थी वो पूरी हो चुकी है, और अब खाली शायद जाना पड़ेगा घर। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के रास्ते हमारे यहाँ, बिल्कुल थोड़ा सा भी पैर नहीं फिसला तो सीधे हम गए नीचे वहाँ तक। ये देखिए पूरी चोटी चोट लगती है, और गाय बच्चे भी आते हैं इस रास्ते पे, कई बार गिर जाती है। तो दगड़ियों कुछ इस प्रकार से रहा मेरा आज का शाम टाइप का रूट। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो काम तो बना नहीं, लेकिन हाँ कुछ काम ज़रूर हो गया, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये कमीज जब मैं लेके गया था तो बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में थी, लेकिन अभी पूरी तरह से फट चुकी है। और जंगलों में अक्सर ये ऐसा यहाँ होता है, झाड़ियों के बीच जब हम जाते हैं तो ये सब चीज़ें नुकसान हमको भुगतना पड़ता है। ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है। तो थोड़ा आज मैं ये नई कमीज लेके गया था, वैसे पुराने कपड़े ज़्यादा बेटर रहते हैं यहाँ, जो कि पुराने ज़माने के मजबूत कपड़े भी थे, वो इन वनों के लिए स्पेशल आते थे, लेकिन अब ऐसे कपड़े ही नहीं आते। और तो कुछ इस तरह से रहा हमारा आज के शाम टाइम का रूट। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, कौन सा पार्ट वीडियो का बहुत अच्छा लगा और गंदा लगा ये भी लिखें, और अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दगड़ियों मिलते हैं फिर कल ऐसे ही कुछ अपने लाइफ स्टाइल वाली ब्लॉग में। बाय बाय दगड़ियों।